आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ इंटरफेस विद वीवीए, कि वीवीए में कोड का इंटरफेस कैसे होगा, कैसे मैं क्या करेंगे, कैसे क्या होता है, उन चीजों के बारे में हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जैसे हमने लास्ट क्लास में सिलेक्शन बताया था और साथ में बताया था कि आपको लास्ट क्लास क्लास में किस तरीके से हम एक सेल पे टाइप कर सकते हैं, राइट? तो मान लीजिए मुझे एक फॉर्मेट तैयार करना है, तो उसके लिए कैसे फॉर्मेट तैयार करेंगे, सिंपल सा। तो उसी के लिए हम यहाँ पे माइक्रो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करना है, इसका एक एल्गोरिथम आप तैयार कर लेंगे। तो करना क्या है, मुझे एक छोटा सा अटेंडेंस का फॉर्मेट तैयार करना है। क्या करना है, अटेंडेंस का फॉर्मेट तैयार करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मंथ देना है, और यहाँ पे करेंट मंथ जिस समय रन होगा उस मंथ का महीना देना है। तो मैं कहाँ पे लिखना है, हमें लिखना है A2। यहाँ लिखेंगे हम रेंज A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मंथ, हमारा मंथ हो गया यहाँ पे मंथ। अब यहाँ पे करेंट सिस्टम मंथ और ईयर साथ में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंज B2। अब करेंट सिस्टम के लिए तो हमारे पास डेट का फॉर्मूला है, तो डेट क्या करेगा, सिस्टम डेट दे देगा। अगर आप इसको रन करके यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको सिस्टम डेट दे देगा। मुझे यहाँ पे सिस्टम डेट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए एक मंथ और डेट के साथ में मिला हुआ। तो यहां पे हम इसको फॉर्मेट का फॉर्मूला, याद होगा मैंने बताया था फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे देंगे कॉमा MMM स्लैश YY और इसको एंटर प्रेस कर देंगे और इसको यहां पे रन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू मंथ करा है, यहाँ पे डॉट वैल्यू की जगह डॉट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना? नहीं भाई, फॉर्मूला का ये हो गया है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, सही है। बट क्या है कि सर ये मंथ और डेट हमें इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि डेट क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने अप्रैल यहाँ पे अप्रैल 20 लिख दूंगा, सॉरी APR 20 लिख दूंगा, तो भी एक डेट ही पकड़ लेता है ना, 20 अप्रैल 2020, इस कारण से इसी प्रॉब्लम हो गई। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में इसके साथ हम सिंगल कोड को कॉन्क्रीट कर देंगे, सिंपल सा कुछ है। देखिए आपका सही है कैसे, तो मंथ और डेट बन गया। अब मुझे यहां A5 में एम्प्लॉय कोड देना है, तो यहां हम लिखेंगे रेंज A5 डॉट वैल्यू इक्वल टू EMP, रन करता हूं, देखिए एम्प्लॉय आ गया। अब मुझे इसमें देना है नेम, तो रेंज, अब जरूरी नहीं है, जैसे कि मैं बताया था आपको कि A5 नहीं B5, यहां पे B5, और यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू भी लगाऊंगा, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नेम दे देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे नेम आ गया। और सी में मैं यहाँ पे जिस महीने का रन हो रहा है उस महीने का फर्स्ट डेट चाहता हूँ। तो क्या करेंगे फर्स्ट डेट के लिए सर, C5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहां करेंगे हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, सब लोग भूल गए हैं ना, बताया था ना आपको मैंने, डेट कॉमा -1 बट +1। तो जिस महीने का रन करूंगा उस महीने का डेट यहां पे आपको दिखेगा। अब
यहाँ पे डेट तो दिख गया बट इसमें डेट का फॉर्मेट होना चाहिए। तो डेट का फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए कोड क्या होता है, देखिए यहां पे कि रेंज p5 डॉट नंबर फॉर्मेट। क्यों नंबर फॉर्मेट क्यों किया, कैसे पता चला कि नंबर फॉर्मेट होगा? क्या कैसे पता चला? क्योंकि जब डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं फॉर्मेट सेल में तो ये नंबर फॉर्मेट की कैटेगरी में आता है ना, फॉर्मेट सेल के नंबर में आता है ना, ये नंबर फॉर्मेट कहलाता है। तो DDMM कर दिया तो अब देखिए मेरा फॉर्मेट इस तरह से आया। मैं 3 बार MM कर दूंगा तो ये आपका अप्रैल आ जाएगा। अब मुझे यहां पे एक फॉर्मूला देना है ताकि मैं आगे डायरेक्ट कर सकूं, मैं इसको मैनुअली नहीं लिखना चाहता हूं, फॉर्मूला देना चाहता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे देख लीजिए रेंज और मैंने यहां पे कर दिया d5 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल, ये आपका हो जाएगा c5+1। मैं रन करता हूं, यहां पे 2 आ गया मतलब कि फॉर्मूला हो। अब मुझे इसको कॉपी करके, इसको कॉपी करके और मुझे यहां से यहां पे कॉपी करना है रेंज डॉट कॉपी। अब मुझे यहां से उस महीने में जितना दिन चाहिए उतना दिन सिलेक्ट करके उस पर पेस्ट करना है। तो कैसे पता चलेगा कितना दिन है? तो मैं यहां ऊपर में सबसे पहले ही डे के फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां पे लिखूंगा डे और डे में लगाऊंगा एप्लीकेशन। याद होगा मैंने इसको फॉलो पेज में समझाया था आपको, मैंने याद है भूल गए सिंह जी? याद है ना जी? सॉरी सुना जी कोई है नहीं, वीर सिंह जी है और प्रीतम जी। तो ये क्या करेगा कि इस महीने में कितने नंबर ऑफ दिन है वो दिखा देगा। सर परमिशन दे दीजिए रिकॉर्डिंग। किसको परमिशन चाहिए? लेट आए क्या? हाँ सर लेट हो गए, लेट हो जाते हैं। तो 3 डेट तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके 2 डेट तो ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि रेंज हम यहाँ पे देंगे हमारा E5 से लेके स्टार्ट हो एंड कहाँ पे हो, तो एंड में हमने दिया रेंज E5। ध्यान से देखिएगा रेंज E5 डॉट ऑफसेट, रो हमारा नहीं रहेगा कॉलम, कॉलम में कितना होना चाहिए तो d-2 डॉट सेलेक्ट। यहां पे हम यहां पे एक और ब्रैकेट बनूंगा डॉट सेलेक्ट, इससे क्या होगा अब इसको रन कीजिए तो देखिए पता चल जाएगा कि इसने इसको कॉपी करके सिलेक्शन जो है उस हिसाब से किया है। अब मुझे पेस्ट करना है तो मैं सिलेक्शन डॉट पेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि पेस्ट सीड का पार्ट है, यहां पे लिखूंगा सीड एक्टिव सीड का एक्टिव सीड डॉट पेस्ट। मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि पेस्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ये आपका 1 मई, 1 ज्यादा हो गया इसमें, मतलब कि हमें यहां पे 2 नहीं 3 माइनस करने चाहिए। तो 3 माइनस करने से क्या होगा कि आपके सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग ये पेश करेगा। अगर जिस डेट में 31 दिन होगा तो 31 पेश करेगा, किसी में 30 है तो 30 पेश करेगा। तो वीर सिंह जी एक कोड समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। ऑफसेट समझ में आया? ऑफसेट क्या कर रहा है? ऑफसेट जी सर क्या कर रहा है ऑफसेट सर? ये -3 क्यों लिया है?
माइनस थ्री लिया, जैसे कि मुझे जैसे एक तारीख डाल दिया, दो तारीख डाल दिया, तो तीसरे से हमें पेस करना है, तो मतलब हमें उतना कॉलम पेस करना, हमने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया हुआ है कि अगर डेट में प्लस वन कर, इसको कॉपी करके मुझे पेस उतना करना जितना महीना में दिन है, तो महीना में कितने दिन है ये बता रहा है हमारा ए। तो इसमें अपडेट हमेशा क्या होता है, जैसे वन प्लस वन कर दोगे तो दो दिन हो जाता है ना, तो इसलिए हमने दो, क्योंकि दो डेट तो ऑलरेडी डल चुके हैं ना, इसलिए हमने तीन माइनस किया, इसमें तीन माइनस करने से 30 अप्रैल तक पेस्ट हो रहा है। तो ऑफसेट करने का रीजन ये था क्योंकि हमें स्टार्टिंग तो पता है कि E5 है, मतलब कि यहां से, अब यहां से मुझे उतना ही रो कॉलम चाहिए जितना महीना का दिन है, और ऑलरेडी मैं यहाँ पे दो कॉलम दे चुका हूं, इसलिए हमने यहाँ पे D माइनस थ्री किया। अगर मैं सर एक अगर एक अप्रैल लिखता हूँ उसके हिसाब से वो काम करेगा क्या? अगर मैं एक अप्रैल लिखूंगा तो उसके हिसाब से वो कन्वर्ट कर देगा कि अप्रैल में टोटल 30 डे होते हैं। हाँ, तो मैं देखिए यहाँ पे हमने डेट सिस्टम डेट लिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे सिस्टम डेट लिया हुआ है। अब सिस्टम डेट की जगह पे आप अपना डेट डाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सिस्टम डेट निकालने के लिए किया हुआ है कि सिस्टम डेट निकाल लिया है हमने यहाँ पे। देखिए ये जो फॉर्मूला क्या कर रहा है कि ये हर महीने की जो जिस दिन जो महीना चल रहा होगा, जो सिस्टम का डेट होगा, उसका पहला महीना डाल देगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, ईओ मंथ एप्लीकेशन वर्क्स फंक्शन ईओ मंथ डेट माइनस वन, माइनस वन करने से क्या हुआ कि 31 मार्च का डेट दे दिया, मतलब एक महीना पीछे के मंथ दे दिया इसने, एंड ऑफ मंथ लास्ट डेट। तो 31 मार्च में मतलब पिछले महीने के लास्ट डेट में एक दिन जोड़ेंगे तो इस महीने का करंट डेट तो ही जाएगा ना, इस महीने का फर्स्ट डेट वो एक होगा ना, एक अप्रैल होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप एक अप्रैल डेट भी फिक्स कर सकते हो, बट क्या है कि ये फिर ऑटोमेट नहीं होगा ना, वो हर महीने हर बार आपको एक ही अप्रैल का देगा, क्योंकि मुझे हर महीने इसको चेंज करते रहना है। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्या लॉजिक समझना? देखिए समझिए, सिंपल सी बात है, ये हमारा डेट है, तो ये हमारे पास डेट टुडे होता है, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, और ईओ मंथ का फॉर्मूला क्या करता है, एंड ऑफ मंथ देता है। तो मुझे मान लीजिए कि इस महीने की फर्स्ट डेट चाहिए, जो करेंट मंथ है उसका फर्स्ट डेट चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ईओ मंथ में जीरो के जगह पे माइनस वन कर देंगे तो क्या आएगा, जो करेंट मंथ चल रहा है उससे एक महीना पहले की लास्ट डेट, एक महीना पहले की लास्ट डेट, ठीक है, ठीक है। इसमें हम प्लस वन कर देंगे तो क्या होगा, इस महीने की फर्स्ट डेट, समझ गया? हाँ, ठीक है। यहीं पे हमने एक काम किया हुआ है कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन और वर्कशीट फंक्शन ईओ मंथ और सिस्टम डेट और माइनस वन, फिर लास्ट में हमने इसमें प्लस वन कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने किया कि हर महीने का डेट आपका दे दिया, राइट। अब मुझे जितना मेरा डेटा है उतना और नीचे तक, मतलब कि मैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर देना चाहता हूँ, मैंने 1 से लेकर 10 तक एम्प्लॉय का नंबर देना चाहता हूँ, तो क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे रेंज A6 डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, राइट। फिर लिखेंगे कि रेंज A7 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में इक्वल A6 प्लस 1। हम रेंज A7 को कॉपी करेंगे, यहां पे कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, यहां पे एक काम और हो सकता है कि A7 से चलें रेंज A7 और फिर वापस में देखूंगा रेंज A7 डॉट ऑफसेट, और यहां पे मैं करूंगा कि मुझे मतलब 10 तक देना है तो यहां पे 8.0 डॉट फिल डाउन। फिल डाउन क्या करता है पता है आपको?
वो नंबर डाल देगा, नहीं कंट्रोल डी, कंट्रोल डी मतलब कि फिल डाउन क्या किया कि इसको लिया और इसके नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया। तो आप लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन होगा कि सर आपको तो पता है कि फिल डाउन का कोड क्या होता है, क्या पेस्ट का कोड क्या होता है, नंबर फॉर्मेट क्या होता है, बट आपको ये सब चीजें तो पता नहीं होगी ना सर। हाँ ऑप्शन ए मेथड मैंने कल समझाया था, ये जो सिलेक्शन करने वाला ऑफसेट वाला समझाया था ना कल, इसको समझाया था आपको, इसका यूज हमने यहां भी किया राइट सर। तो बाकी चीजों के लिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आप रिकॉर्डिंग माइक्रो करें और फिर देखें। अगर मान लीजिए कि आपको ये होता कि रिकॉर्डिंग माइक्रो करेंगे आप कि भाई इसको नीचे तक फिल डाउन करना है, तो हम माइक्रो को रन किया और हमने इसको फिल डाउन करके माइक्रो को स्टॉप कर दिया। ओके तो आप इसकी कोड को देखेंगे कि selection.fill down, आपको ये पता हो गया ना कि फिल डाउन क्या करता है, तो हेलो सही बोल रहा हूं सर मैं। इसलिए मैंने बोला कि जितने भी मेनू बार के ऑप्शंस है उस सब को आप एक बार अप्लाई करें माइक्रो रिकॉर्ड में, फिर उसको कोड को समझें, तभी आप उसको अपने माइक्रो में यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर मैं यहां पे कहता हूं कि यहां से मुझे लास्ट तक और नीचे तक सिलेक्ट करना है, तो कल वाली टॉपिक को लेता हूं मैं कि ए यहां पे ए फाइव से कॉमा रेंज ए फाइव डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट, क्या ये क्या करेगा कि पूरा सिलेक्ट ये जो है आप अलग प्रोग्राम बना दिए राइट होगा, माफ कीजिएगा ये लेफ्ट नहीं होगा राइट होगा, राइट होगा, राइट छूट गया। मैं इसको रन करूंगा तो देखेंगे सिलेक्शन हो गया, और एक बार सिलेक्शन देखिए पूरा एंड तक सिलेक्शन हुआ है वन। अब मुझे इसको नीचे तक लेके आना है, तो रेंज 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 सिलेक्शन यहां पे सिलेक्शन और फिर मैं लिखूंगा सिलेक्शन डॉट एंड डाउन एक्सल डी ओ डब्ल्यू एन डाउन और सेलेक्ट, क्या इससे क्या होगा कि अब मेरा पूरा एक मिनट विभाग आ गया। अच्छा यहाँ पे एक्सल करना चाहिए था, ठीक है। अब जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, यहां पे लिखूंगा मैं सिलेक्शन डॉट, अब देखिए डॉट लगाने पे नहीं आता है, तो सिलेक्शन जो है इसमें ऑटो सिलेक्शन नहीं आता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो आपको एक रेंज ले लो, रेंज ए वन डॉट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू वन, और इसके जो है आप रेंज के जगह पे सिलेक्शन कर दीजिए, सिलेक्टेड एरिया में हमारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हो गया बॉर्डर अप्लाई, क्या सर? यस सर। अब आपका काम क्या है इसमें आगे, मैं आपको इससे ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा। अब आपका काम क्या है कि पहले आप जो है होम मेनू बार में जो जो ऑप्शन के बारे में पता नहीं, मैं कुछ इस तरह का काम की जैसे इसमें आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, इसमें मुझे ऑटो फिट करना है, पीछे की बैकग्राउंड जो है जो डोर नाउन है इसको हटाना है, लास्ट हमें टोटल का रो ऐड करना है, यहाँ पे लास्ट में टोटल का रो ऐड करना है, इस पे काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है, ठीक है। ये चीजें आप करें एक बार, इसकी एक बार आप लोग स्नैपशॉट ले लें इस कोड की। पूछिए जो आपने डेटा बनाया था उसमें क्या होता है,
यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 अप्रैल 4 अप्रैल और 10 अप्रैल मुझे इन 3 कॉलम करने चाहिए। नीरज जी पहले जो मैंने बताया उसको कीजिए, फिर इसके आगे कर पाएंगे ना आप। नहीं सर, वो रेंज से सिलेक्टेड था ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, रेंज से सिलेक्टेड है, करेंगे, पहले इसको तो कीजिए आप। वीर सिंह जी समझे कि नहीं, जहां पे फंसेंगे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे बैकग्राउंड क्या होता है जी, ग्रिड लाइन हटाने का कोड क्या होता है नहीं पता आपको, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग को ऑन करें और एक्सेल में जाएं और इस ग्रिड लाइन को हटा दें और फिर मैट्रिक को स्टॉप करें और फिर आप देखें कोड। सर मैंने एक छोटा जैसे आपने डिस्कस करा था छोटा सा बनाया हुआ है, कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें और ऐड करके, ठीक है ना। तो ये आप करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, तो इसको आगे आओ, इसको पूरा कीजिए आप लोग, इस कोड को आगे पूरा कीजिए। जैसे कि इस अटेंडेंस में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करनी है कि सैटरडे, इसके ऊपर सैटरडे संडे देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सैटरडे हाईलाइट होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में टोटल का रो देना है, फिर काउंट एक का फॉर्मूला लगाना है, फिर इसको ऑटो फिट करना है ताकि एक पेज में प्रिंट हो जाए, फिर इस तरह से कुछ करना है आपको, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम वैल्यू की जगह फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, देखा दोनों में कोई अंतर तो नहीं है? नहीं नहीं, फॉर्मूला टाइप करने में अंतर नहीं है, लेकिन किसी वैल्यू से किसी वैल्यू पे लेके जा रहे हैं तो अंतर है। जैसे मान लीजिए कि a2 डॉट वैल्यू इक्वल टू a1 डॉट वैल्यू, तो a1 डॉट वैल्यू की हो तो उसका वैल्यू आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा। a1 डॉट फॉर्मूला कर दीजिए तो फिर a2 पे उसका फॉर्मूला आएगा, मतलब कि गिवर जो है रिसीवर जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गिवर पे फर्क पड़ता है जो गिवर है, ठीक है। समझ गया सर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग करें, फिर हम कल की क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।